मौत के 10 साल के बाद माइकल जैक्सन को लेकर बड़े खुलासे, जानकर रह जाएंगे हैरान। अमरीकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के गानों की दुनिया दीवानी है। भले ही आज माइकल जैक्सन दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सॉन्ग्स और मूनवॉक स्टेप को आज भी बेहद पसंद किया जाता है। माइकल जैक्सन की मौत रहस्यमय थी, जिसका पता लगते ही उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा था। माइकल जैक्सन एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है लेजेंडरी सिंगर एल्टन जॉन का बयान। जी हाँ, सिंगर एल्टन जॉन ने माइकल जैक्सन को दिमागी रूप से बीमार बताया है। जैक्सन के काफी करीबी जॉन के इस खुलासे के बाद सुर्खियां तेज हो गई हैं। एल्टन ने दिए बयान में माइकल जैक्सन के संगीत को तकलीफ देख कहा है। एल्टन कहते हैं कि समय के साथ जैक्सन ने खुद को जिस तरह से दुनिया से अलग थलग कर लिया था, वो मेरे लिए बहुत चिंताजनक था। एल्टन ने बताया कि मैं माइकल जैक्सन को तब से जानता हूँ जब उनकी उम्र 13 या 14 साल हुआ करती थी। वो बचपन में बहुत प्यारे बच्चे थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो दुनिया से अलग होने लगे। भगवान ही जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो कौन सी दवाइयां ले रहे थे। एल्टन ने माइकल जैक्सन से अंतिम मुलाकात को लेकर खुलासा किया है। मैं अंतिम सालों में जब भी उनसे मिला तो वो एक बेचारा इंसान था जो अपनी उपलब्धियां खो चुका था। वो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बीमार थे। एल्टन ने ये भी बताया है कि जैक्सन को हम उम्र के लोग पसंद नहीं थे। उनके आसपास रहना भी बहुत तकलीफदेह था। एक पार्टी में वो साथियों के साथ छोड़कर हाउसकीपर के बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन की मौत साल 2009 में हुई थी और मौत के कारण दवाओं का ओवरडोज सामने आया था।